नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है साउथ वेस्ट फेसिंग शोरूम। आपका अपना साउथ वेस्ट फेसिंग शोरूम है, या आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं, या आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको अपने बाहर के भाग की वास्तु कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने बाहर के एरिया को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके बाद आपके यहाँ नाली है तो आपने अपनी उस नाली को साफ कराकर पत्थरों से ढकवाना है। आपके यहाँ जो बाहर पत्थर लगे हुए हैं या स्टेप बनाने हैं, उसके ऊपर जो पत्थर आना चाहिए वो रेड कलर आना चाहिए या वाइट कलर ही आना चाहिए। इसके अलावा कोई और पत्थर आपके यहाँ लगा हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पहली बात तो फुटफॉल कम होगा। यदि फुटफॉल आपके यहाँ अच्छा है तो कहीं ना कहीं महीने के आखिर में आप लॉस में ज़रूर जाते हैं। आपके यहाँ जो आपका अपना शटर है, शटर पर जो कलर आपने करवाना है, क्योंकि आपका जो शोरूम है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, इसमें जो कलर आने चाहिए वो पिंक कलर या पीच कलर ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई और कलर नहीं आना चाहिए। आप अपने यहाँ शटर के ऊपर जो बोर्ड लगाते हैं, जो नाम लिखवाते हैं, उसके अंदर जो कलर होने चाहिए वो पिंक कलर, पीच कलर और ऑफ वाइट कलर ही होने चाहिए। इन्हीं कलर से आपने अपना बोर्ड तैयार कराना है। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपका जो अपना शोरूम है, जहाँ तक आपका शटर खुलता है उसके सामने कभी भी तारे झूलती हुई नहीं होनी चाहिए, तारों का जंजाल नहीं होना चाहिए। आपके बोर्ड से, आपके शटर से तारे हमेशा ही ऊपर होनी चाहिए, छुपी हुई होनी चाहिए। लटकती हुई तारे यदि आपके शटर के सामने हैं और नीचे के भाग की ओर आ रहे हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ फुटफॉल में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रहेगी। आपके यहाँ आपके शोरूम की जो एंट्रेंस है वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा से बनी हुई है, तो इसमें आपने जो बाहर के भाग में पायदान रखना है वो ग्रे कलर का पायदान रखना है। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जो पायदान आप बाहर रखेंगे वो पायदान आपके अंदर के फर्श के लेवल से नीचा होना चाहिए। आपकी एंट्रेंस साउथ कॉर्नर से है, दक्षिण दिशा से है, तो इसमें आपने पायदान रेड कलर का पायदान ही रखना है। आपकी एंट्रेंस सेंटर में बनी हुई है, यहाँ पर आपने जो पायदान रखना है वो ब्राउन कलर का पायदान रखना है। बहुत सारी जगह शोरूम के बाहर स्टैंडिंग फ्लैक्स भी रखी जाती है। आपके यहाँ स्टैंडिंग फ्लैक्स साउथ के भाग में रखी है या आपने यहाँ पर रखनी है, स्टैंडिंग फ्लैक्स के अंदर जो कलर होने चाहिए रेड कलर, पिंक कलर, पीच कलर, ऑफ वाइट कलर ही होने चाहिए। यदि आप अपने यहाँ वेस्ट के भाग में स्टैंडिंग फ्लैक्स लगाते हैं तो यहाँ पर आपने जो कलर का ध्यान रखना है, वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर और येलो कलर ही होने चाहिए। आपके यहाँ सप्लाई का पानी आया हुआ है और आप अपने शोरूम में सप्लाई का पानी ले रहे हैं, तो उसमें सप्लाई का पानी आपने कहाँ से लेना है? सप्लाई का पानी आपने वेस्ट कॉर्नर से ही लेना है। आपने अपने यहाँ पर पानी का जो मीटर लगाना है वो वेस्ट में लगाना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक मीटर आपने अपने शोरूम के साउथ के भाग में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण की दीवार पर ही इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है। जो बातें मैंने आपको बताई है, जो वास्तु के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को चेक करते हुए अपने शोरूम के बाहर के भाग को चेक करें। आपके यहाँ मेरी बातों के हिसाब से कुछ अलग बदलाव है तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं फुटफॉल में कमी होगी या आपके यहाँ प्रॉफिट में कमी ज़रूर मिलेगी।
जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।